किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। सुनोगे नहीं क्या किताबों की बातें? किताबें कुछ तो कहना चाहती हैं, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़ियां चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भंडार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। पुस्तकों से ही नई सोच और नवीन खोज का जन्म होता है। विद्वानों ने कहा भी है, जीवन में सफल होने के लिए किताबों से दोस्ती होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी पुस्तकें पोषण का कार्य करती हैं। पुस्तकों के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में पुस्तकालयों की संकल्पना की गई है। पुस्तकालय विद्यालय का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है। ये बच्चों को सीखने के लिए ऐसे संसाधन उपलब्ध कराते हैं जिनसे सीखने की गति में वृद्धि होती है। इसी कारण इन्हें लर्निंग आउटकम प्राप्त करने का एक आवश्यक उपकरण मानते हुए शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका में स्थान दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी परिषदीय विद्यालयों में समृद्ध पुस्तकालय की व्यवस्था हेतु निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय के शिक्षक और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य परस्पर सहमति से इन पुस्तकालयों के लिए किसी अतिरिक्त कक्ष या किसी निकटवर्ती सामुदायिक भवन का चुनाव कर सकते हैं। इन दोनों की अनुपलब्धता होने पर किसी कक्षा के एक कॉर्नर को ही रीडिंग कॉर्नर के रूप में सुसज्जित करके पुस्तकालय का रूप दिया जा सकता है। इन पुस्तकालयों में NCERT, NVT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट और CBT यानी चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट की पुस्तकों को शामिल किया गया है। इनमें महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, रंगमंच, नाटक, पर्यावरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बोध और पौराणिक कथाओं, विज्ञान, खेल तथा नक्षत्र, रोजगार, लोक कथाओं, संगीत, रोमांचक कारनामों आदि से संबंधित किताबें शामिल हैं। पुस्तकालय में बैठकर हमें एक ही समय में अनेक विद्वानों, बुद्धिजीवियों के विचारों से परिचित होने का अवसर मिलता है। पुस्तकों की उपलब्धता के कई स्रोत होते हैं, जिसमें पहला है विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पुस्तकें, दूसरी सामुदायिक सहयोग से प्राप्त पुस्तकें और तीसरी है शिक्षकों के निजी प्रयासों द्वारा उपलब्ध पुस्तकें। विद्यालय पुस्तकालय हेतु पुस्तकों को खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। पुस्तकों में किसी भी समुदाय, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंग के प्रति लगाव या भेदभाव नहीं दिखना चाहिए। पुस्तकें विद्यार्थियों में वास्तविकता और अन्वेषण के प्रति सोच विकसित करने वाली हों तथा प्रश्नों के माध्यम से वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने वाली हों। बाल साहित्य बच्चों की आयु, उनके स्तर और रुचि के अनुसार चयनित करना अत्यंत आवश्यक है। आरंभिक कक्षा की पुस्तकों जैसे पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ संदर्भ पुस्तकों और अनुपूरक पठन सामग्री जो सीखने पर आधारित हो, इसे भी बच्चों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनकी पढ़ने की जिज्ञासा को पूरा करते हुए सीखने में भी उनकी मदद की जा सके। प्रार्थना सभा में प्रेरक प्रसंग सुनाने हेतु तथा विभिन्न स्तरों की आवश्यकता के अनुरूप पुस्तकों का चयन किया जाना उचित होगा। जैसे प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पुस्तकों में चित्रों की अधिकता हो, लिखावट कम हो और चित्र बड़े हों तथा जैसे जैसे कक्षा बढ़े विषय वस्तु की सघनता बढ़ती जाए।
बच्चों को स्वयं से पढ़ने के लिए और पढ़ने का कौशल बढ़ाने के लिए कक्षावार पुस्तकों की श्रृंखला उपलब्ध कराना उचित होगा, ताकि पढ़ने को आनंददायक और रचनात्मक बनाया जा सके। उदाहरण के लिए NCERT की बरखा श्रृंखला। बरखा श्रृंखला के द्वारा बच्चों में पठन क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से बाल सुलभ पठन सामग्री आयु के अनुसार इस प्रकार क्रमागत रूप से निर्मित की गई है कि बच्चे रुचि लेकर स्वयं पढ़ें। बरखा श्रृंखला के क्रम एक में केवल चित्र और चित्र कथाएं दी गई हैं। बाद में अमात्रिक शब्द तथा मात्रिक शब्द चित्रों सहित दिए गए हैं, जिनसे बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति का विकास हो। पुस्तकालय की सूची में विविधतापूर्ण पुस्तकों का होना, जैसे कहानियाँ, लोकगीत, निबंध, संदर्भ सामग्री, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की सदस्यता भी लेना उपयोगी होता है, ताकि पुस्तकालय का उपयोग समुदाय के लोग भी कर सकें। आवश्यकता के अनुरूप स्थानीय जनजातियों और उनके रहन सहन, स्थानीय इतिहास और स्थानीय भाषा संबंधी अनुपूरक सामग्री के साहित्य की उपलब्धता हो। पढ़ने को प्रोत्साहन देने हेतु पढ़े भारत बड़े भारत कार्यक्रम भी चलाया गया। इस क्रम में विभिन्न जनपदों में भी विद्यालयों में इसे एक उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न आकृतियां बनाकर पुस्तकें पढ़ी। समय समय पर विद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए। पुस्तकालयों को समय समय पर पुस्तकों, पत्रिकाओं व अन्य पठन सामग्रियों के साथ साथ ई संसाधन व दृश्य श्रव्य सामग्रियों को भी जोड़ते हुए अपडेट करते रहना चाहिए। शिक्षकों के साथ साथ पुस्तकालय प्रबंधन की जिम्मेदारी बच्चों को भी निभानी चाहिए। विद्यालय के सभी बच्चों को पुस्तकालय का सदस्य बनाया जाना चाहिए। पुस्तकालय रजिस्टर का संचालन का उत्तरदायित्व भी बच्चों को सौंपने से उनमें प्रबंधन के कौशल का विकास होता है। पुस्तकालय के प्रभावी संचालन के लिए हस्त पुस्तिका में कुछ सुझाव भी बताए गए हैं, जैसे पुस्तकालय के प्रभावी उपयोग हेतु विद्यालय के किसी एक शिक्षक को पुस्तकालय का प्रभारी बनाया जाए। बाल संसद या पुस्तकालय समिति के अंतर्गत बच्चों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की जाएं, जैसे किताबों को क्रमांक के अनुसार लगाना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, निर्गत करने और जमा करने संबंधी जिम्मेदारियां भी सौंपी जानी चाहिए। प्रत्येक कक्षा के बच्चों को हफ्ते में एक बार पुस्तकालय जाने का अवसर अवश्य देना चाहिए और प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक पुस्तक अवश्य इशू करवाने हेतु प्रेरित करना चाहिए। बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पुस्तकालयों के प्रयोग को नवाचारी प्रयोग विधियों द्वारा आनंददायक और मनोरंजक बनाया जा सकता है। बच्चों को उनके खाली समय में समूह में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा में इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएं जो बच्चों में समझ के साथ पढ़ने का कौशल विकसित करें। हफ्ते में कम से कम एक बार ऐसी गतिविधि अवश्य करवाएं, जैसे बोलकर पढ़ना, समूह में पढ़ना, विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकों की समालोचना प्रस्तुत करना, जैसे पोस्टर आदि पर कहानी सुनाने का सत्र। ये बच्चों के पढ़ने के कौशल को सुदृढ़ करने में मदद करते हैं। पुस्तकों में पढ़ी गई कहानियों को प्रार्थना सभा, बाल सभा में सुनाने हेतु प्रेरित करना चाहिए। पुस्तकालय के अंतर्गत एक दीवार को समाचार पत्र के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। पुस्तकालय के प्रयोग पर आधारित कार्यशालाएं आयोजित होनी चाहिए। पुस्तकों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश नियमावली बनाई जानी चाहिए और बच्चों को समय समय पर उससे अवगत कराना चाहिए। इस प्रकार एक समृद्ध और सुव्यवस्थित पुस्तकालय विद्यालय के वातावरण को वैचारिक एवं प्रेरक तो बनाता ही है, पुस्तकालय से जुड़े सभी सदस्यों की विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करने में सहायक होता है और जानकारियों को विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से किस प्रकार उपयोग में लाना है, इसके लिए भी सक्षम बनाता है। हम सभी को अपने विद्यालय में पुस्तकालय का संचालन इतनी ही कार्यकुशलता से करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किताबें सिर्फ शेल्फ में न रखी हों, बल्कि बच्चों के हाथों से होते हुए उनके मन मस्तिष्क में पहुंचकर जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकें और बच्चे खुद कहें, कोई लाके मुझे दे एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे।